हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियास पंजाबी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार, जिसे हम नए तरीके से बनाएंगे, जिससे कि अचार हमारा चटपट खाने के लिए तैयार हो जाएगा। हमने 1 किलो नींबू लिया है, जिसे हमने धोकर सुखा लिया है। अब हम इसे भाप के द्वारा थोड़े से पका लेंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई में पानी ले लिया है, अब हम उससे पानी को गर्म करेंगे और उसके ऊपर एक छलनी में नींबू डालकर रख देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसे हम ऊपर से ढक देंगे ताकि ये भाप के द्वारा पक जाए। अचार के लिए अब हम सूखा मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हम पैन में मसाले डालेंगे और उनको थोड़ा सा भून लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सौंफ। सौंफ जो है हमने 2 चम्मच लेनी है। दो चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 8-10 लौंग, आधा चम्मच मेथी दाना। लो फ्लेम पर इनको भून लेंगे ताकि ये काले ना हो जाएं। हमारा मसाला जो है भून चुका है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। सूखे मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है, इसे ज्यादा बारीक नहीं करना, इसका पाउडर नहीं बनाना, बल्कि दरदरा सा पीसना है, थोड़ा मोटा रखना है इसको। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून व्हाइट सॉल्ट सफेद नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी हमें साबुत ही डालनी है, इसको पीसना नहीं है। 1 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई हींग, 1/4 चम्मच। अब हम तैयार करेंगे चाशनी। चाशनी जो है हमें स्टील के बर्तन में तैयार करनी है, अल्मीनियम या लोहे का कढ़ाई का यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे खराब हो जाएगा अचार, इसलिए स्टील का बर्तन ही यूज करें। मैंने लिया 1/2 किलो चीनी और इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसे हमने 10 मिनट के लिए पकाया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारे नींबू जो है पक चुके हैं, ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें लगभग 1/2 से 1.25 घंटा पकने में लगा है। नींबू हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इनके टुकड़े कर लेंगे। नींबू के हमने टुकड़े कर लिए हैं, अब हम इससे अचार तैयार करेंगे। नींबू को जब हम स्टीम करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करना, क्योंकि इससे उसका जो रसा है वो काटते वक्त निकल सकता है ज़्यादा, इसलिए हमें स्टीम करते वक्त ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम जो हमने चाशनी तैयार की है उसमें मसाले डालेंगे। चाशनी जो हमने बनानी है वो एक तार की नहीं बनानी, जैसे हम मिठाई के लिए बनाते हैं वैसी नहीं बनानी। बस चीनी और पानी का जो हमने तैयार किया मिक्सचर, उसको थोड़े देर तक ही पकाना है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। अब गैस को ऑन कर दें और लो फ्लेम रखें। उसके बाद नींबू को
मसाले में ऐड कर दें, मसाले में डाल दें। और इसको धीरे धीरे पकने दें। इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। ठंडा होने के लिए फिर हम इसे रख देंगे। इसे ढककर नहीं पकाना, इसे बिना ढके ही पकाना है। मैंने नींबू को आधा घंटा चाशनी में पकाने के बाद गैस से उतार लिया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। हमने अचार को कढ़ाई में से निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लिया है और इसको 2 घंटे के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद कांच के या चीनी के जार में इसे भर कर रख देंगे। ये लगभग 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे सनलाइट में रखते हैं तो उससे पहले भी तैयार हो सकता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्थी भी है, क्योंकि इसमें जो मसाले हमने डाले हैं वो बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।